17 मार्च सूर्य की तरह चमकने वाला वार है आज रविवार। आयुष्मान योग से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि सुख शांति समृद्धि अपने आप आएगी। चंद्रमा का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में आज खुशहाली आएगी, परंतु चंद्रमा का अष्टम भाव से षडाष्टक दोष यात्रा में बाधा चोट दुर्घटना हो सकती है। सूर्य ग्रह को मजबूत करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष अगर आपके 7th हाउस में है तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 मार्च रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो न रखो पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी 17 मार्च को कोलकाता हूं, 27 और 31 मार्च मुंबई, 28 मार्च रायपुर, 29 मार्च बेंगलुरु, 30 मार्च को पुणे में रहूंगा और अप्रैल महीने में 5 अप्रैल अहमदाबाद, 6 अप्रैल चंडीगढ़, 7 अप्रैल दिल्ली, 13 अप्रैल रांची और 14 अप्रैल को मैं गुड़गांव में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 9:53 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 4:48 तक मृगशिरा और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज नया आयुष्मान योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुभ लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई फैसला करना है, उसके लिए शुभ समय की तलाश में तो दो बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का चौघड़िया है और दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक शुभ का चौघड़िया है, लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। साहस, करेज, एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। बिजनेस में सही जगह पर पैसे के इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आज कुछ स्पेशल करना होगा। बुध आदित्य आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर स्मार्ट वर्क से आप सीनियर और बॉस को इम्प्रेस करने में सफल होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के जॉब हो या किसी काम में उन्नति होने की प्रबल संभावना है, इसलिए आज अपने स्किल को और तराशिए। फैमिली में पेरेंट्स के साथ बैठकर संबंधों को मजबूत करिए, खूब पुरानी बातें करिए। अनमैरिड पर्सन के विवाह के अब प्रस्ताव आने वाले हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आत्मसम्मान और विश्वास मिलेगा, समस्या के हल के लिए पैसा आ जाएगा। न्यू जनरेशन, दूसरों की खातिर अपनी प्रायोरिटीज को नजरअंदाज करने से बचें और जो भी आपकी इच्छा है, काम है, उसकी लिस्ट बनाकर आगे बढ़े। इस संडे भविष्य के लिए कुछ स्पेशल करना होगा, अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है, अच्छी शॉपिंग हो सकती है। सामाजिक स्तर पर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आप किसी मदद करके पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम की पढ़ाई या जॉब करने वाले लोगों के लिए मनचाह काम करने का दिन है। वृषभ राशि, पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे। अपनी हो या पैतृक संपत्ति खरीदना हो या बेचना हो, रिनोवेशन डॉक्यूमेंटेशन की कवायद तेज करिए। पॉलिटिकल पर्सन और सरकारी बैंक में जुड़े बड़े व्यक्ति से मिलने का आज मन करेगा, तरक्की की राह आसान होगी। बिजनेस पर्सन काफी दिनों से अगर किसी डील के फाइनल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो डील अब लगभग फाइनल होने वाली, जब तक काम न हो आप साइलेंट मोड पर रहिए। वर्क प्लेस पर प्रमोशन ट्रांसफर के लिए बॉस से बात करिए। जॉब करने वाले लोगों को जोखिम भरे काम से आज अपने आप को दूर रखना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन पर नियंत्रण रखिए क्योंकि ये बहुत भटकने वाला है। परिवार से जुड़े जो भी निर्णय है उस पर सर्वसम्मति से बात करनी चाहिए और सबकी सहमति होने पर आगे बढ़े, इसके लिए बड़े बुजुर्गों से राय मशवरा जरूर लीजिए। न्यू जनरेशन को करियर में सफलता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम आज करना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर होगा कि किसी और की बात नहीं करें, सिर्फ खुद की बात करें। गले में इन्फेक्शन, मौसम चेंज हो रहा है, वो आपको तकलीफ दे सकता है। मिथुन राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके भीतर आएंगे। कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई भी मामला है तो आज वकील से मिलना ग्रोथ दिलवाएगा। बेरोजगार लोगों को जॉब सर्च आज करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा, एक साथ चार काम करेंगे और काम
बांट के करेंगे तो मजा आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो जल्दी शाम को फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय करोगे। परिवार के साथ संडे को फंडे मनाने के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए। खर्चे बढ़ रहे हैं, व्यवहार और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। डायबिटिक और हाइपरटेंशन वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह भविष्य में आपके बहुत काम आ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में चल रही बहस आज शांति में तब्दील होगी। दोनों आज कुछ स्पेशल करने वाले। न्यू जनरेशन को समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और जितना आज आप लोग शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, उतना ही अच्छा है। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय। आज अचानक से हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़ जाए। कर्क राशि। नए संबंध और नए संपर्क आपको तकलीफ दे सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, अलर्ट रहिए। बिजनेस में अगर आप असफल हो रहे हैं तो अपने कौशल पर ध्यान दीजिए। आपके पास जो हुनर है उसे तराशिए और एकांत में बैठकर उस पर कुछ बेहतर परिणाम मिले इसके लिए आपको खुद ही डिसीजन लेने होंगे। बिजनेस पर्सन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। टैक्स लाइबिलिटीज आपके ऊपर है, वो कैसे निपटेगी उन औपचारिकताओं पर भी पूरा ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड ज्यादा होने से आप आज डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हो सकता है अपने परिवार को कोई वादा किया जो ना निभा पाए। एम्प्लॉयड पर्सन पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय इमेज अपने ध्यान रखें, क्योंकि कोई और है उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। उनको अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालकर उनको टाइम देना जरूरी है। लोअर बैक और हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान करे। अनमैरिड लोगों के रिश्ते की बात अब फाइनल होने ही वाली है। लव पार्टनर के साथ ट्रेवल करना और लॉन्ग ड्राइव पर जाने का आज सपना आपका साकार हो सकता है। एग्जाम की डेट्स चल रही है जिनके या हो चुके हैं, उन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अब सिर्फ चिंतन करना चाहिए। आइए अब चार राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि सूर्य ग्रह जो कि आपके आत्मा के कारक रहे, आपकी आंखों के कारक रहे, हड्डियों के कारक रहे, सरकारी नौकरी के कारक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक है, पिता से संबंध के कारक है, उन्हें मजबूत करने के लिए आज एक विशेष उपाय करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाने की वस्तुओं का दान करें और अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करें। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रविवार को यानी आज दान पुण्य के साथ साथ आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए, सूर्य नमस्कार का योग उससे पहले करिए, पिता के चरण स्पर्श करिए, पिता की तेल मालिश करिए, पैर दबाइए, आशीर्वाद लीजिए। और दान की जाने वाली वस्तुओं में अगर आप गुड़, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी किसी को देते हैं तो भी शुभ रहेगा। एक बात का ध्यान रखें, अन्न और जल दान करने के बाद ही ग्रहण करिए, तब आपको आनंद आएगा। सिंह राशि। आज आपका प्रॉफिट किसमें वही काम करें। बिस्तर से उठते वक्त अपने पूरे डे को डिजाइन कर लें, फिर वैसे ही चलते जाएं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से बिजनेस में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और बिजनेस पर्सन को अच्छा मुनाफा मार्केट से मिले इसके लिए खुद मार्केट को सर्च करिए, वॉच करिए, जाइए, ट्रेंड को समझिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड बढ़ने से आपने जो वादे परिवार को किए वो निभा नहीं पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को आज सैलरी बढ़ाने और प्रमोशन के लिए बॉस से बात कर ही लेनी चाहिए। लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही आपको नुकसान देने वाली है। न्यू जनरेशन को सबसे पहले अपने पेरेंट्स का सम्मान करना सीखना चाहिए। उनके नित्य चरण छूकर ही दिन की शुरुआत करें। जब तक आपकी जरूरत ना हो तब तक आप बोले नहीं और किसी को सलाह बिना मांगे दे नहीं, और जब बोले तो सच बोले, कटु वचन से परहेज करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हड्डियों का दर्द परेशान करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए टाइम उनका है, एंजॉय करिए। कन्या राशि। बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उनको खुद बहुत अच्छा लगेगा। और बिजनेस में आपको कभी भी मौका मिल सकता है, तैयार रहिए, मौका मिलती चौका लगाएं। बुधादित्य योग से बुद्धि अच्छी होगी। आयुष्मान योग से आपका जो कंपटीशन है अपने बिजनेस में वो बेहतर ढंग से आप हैंडल कर पाएंगे और नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आपकी विश को पूरी करेगी। बिजनेस पर्सन का अन्य लोगों के साथ अगर ग्राहकों के साथ कोई मनभेद है तो आज उनसे मिलिए, बातचीत करिए और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल करिए। भले आज लाभ न मिले, भविष्य मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर आज एनवायरमेंट खुद ही सुखद बनाना पड़ेगा। स्वयं को गैजेट्स के तरह अपडेट और अपग्रेड करिए। क्रोध और उत्तेजना आज आपको डिस्टर्ब करेगी। सेहत के मामले में लकी है। न्यू जनरेशन प्रसन्न रहिए, किसी भी बात पर चिंता मत करिए, सिर्फ चिंतन करिए। फैमिली में बैठकर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चा है या आमदनी उस पर बात जरूर करनी चाहिए। किसी भी बात पर राय देने से पहले हर मुद्दे पर, हर पहलू पर विचार करने के बाद ही आपको राय देनी चाहिए। मैरिड लाइफ पे एक दूसरे की समझ आज बढ़ने वाली है। तुला राशि।
स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। आज आपके भीतर शक्ति का संचार होगा। पब्लिक रिलेशन आपके लिए बिजनेस रिलेटेड सोर्सेस ला सकते हैं। बिजनेस पर्सन को किसी कंपनी के साथ जुड़ने का ऑफर मिल सकता है, आप उसे स्वीकार अवश्य करें। उनके साथ जुड़ने से आपका बिजनेस उन्नति करेगा। वर्क प्लेस पर ज्यादा बदलाव और जॉब चेंजेस का मन मत बनाइए आज। एम्प्लॉयड पर्सन के काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर भले ही ध्यान न दें। बॉस आपके काम पर पैनी नजर डाले हुए हैं। संतान यदि छोटी है तो उनकी कंपनी पर ध्यान दें और डाइट पर भी ध्यान दीजिए, पोषक तत्वों का सेवन जरूर करिए। संडे को फंडे मनाने के लिए परिवार के साथ बैठिए। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझते हुए आज प्रसन्न चित रहेंगे और आज ट्रेवल करने का मौका मिलेगा। सोशल लेवल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कॉम्पिटिशन हेल्दी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा तो स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए सफलता की राह आसान होगी। वृश्चिक राशि। कई जटिल मामले जिन्हें सुलझाना अब जरूरी है। बिजनेस में नई नीतियों को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। बिजनेस पर्सन को कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो छोटे छोटे काम को इग्नोर मत करिए। वर्क प्लेस पर आपका आलस्य आज परेशानी खड़ी करेगा। जॉब करने वाले लोगों को आज कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना पड़ेगा, हो सकता है किसी की मदद भी करनी पड़ जाए। व्यर्थ की दौड़ धूप मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। न्यू जनरेशन का ध्यान कुछ समय के लिए आज लक्ष्य से भटक जाएगा। कंट्रोल, योग प्राणायाम ध्यान चिंतन से दिन की शुरुआत करोगे तो मजा आ जाएगा। फैमिली में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आपका निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग आज मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज बोल्ड फैसले आप लेने जा रहे हैं। आइए अब 8 राशि बाद होली स्पेशल बात करते हैं कि होली से पहले क्यों मनाते हैं होलिका दहन। देखिए, होली का त्योहार भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। वैदिक काल से ही होली मनाई जा रही है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। इसके अलावा हुड़दंग और रंगोत्सव का यह भी कारण बताया जाता है कि नरसिंह रूप में भगवान इसी दिन प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप नामक महाअसुर का वध कर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए थे। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देव योग से यह चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का एक पर्व मनाया जाता है। बात करते हैं धनु राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ मन भेद और मतभेद भुलाइए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज ग्रह आपके पक्ष में। ऑनलाइन ऑफलाइन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस हो, आज कुछ नया काम करने से चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। बिजनेस पर्सन ऑफिस में कुछ नया काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शुभ है। वर्क प्लेस पर अपना टारगेट अचीव कर आज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आने वाले दिन में बनेंगे, इसकी रूपरेखा रखेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन जरूरी काम को करने से कोई लापरवाही न करें, रीचेक हर काम को जरूर करें। सर्दी जुकाम खांसी बुखार गले की तकलीफ आपको परेशान करेगी। न्यू जनरेशन आलस्य को अपने सामने हावी न होने दें, उसे भगाने के लिए कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क करिए। फैमिली के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता आज परेशान करेगी। थोड़ा ध्यान बच्चों और बच्चों की कंपनी पर दीजिए, उनके साथ बैठिए, संडे को फंडे बनाइए, डिसिप्लिन लाइफ जिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शानदार दिन गुजरेगा। अपने खर्चों और जुबान से निकले हुए शब्दों पर कंट्रोल करिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिणाम कुछ भी हो मेहनत करनी जरूरी है। मकर राशि। मानसिक और शारीरिक तनाव आज आपको परेशान करेगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए दिन समृद्धिदायक है। बिजनेस पर्सन को उधारी लेने और देने से बचना होगा। वर्क प्लेस पर आप नहीं आपकी योग्यता बोलेगी, खुलकर काम करिए
आज कुछ ऐसा करेंगे जो भविष्य में लाभ देगा। एम्प्लॉयड पर्सन को ग्रहों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए परिश्रम करें और ऊंचाई पर जाने के लिए रोड मैप तैयार करें। आप अपने किसी मन चाहे काम में रुचि लेंगे और अपना समय उसमें लगाएंगे। फैमिली में सुख शांति के लिए कोई त्याग करना पड़ेगा। संतान की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। संडे को बैठकर एक दूसरे की तेल मालिश और चंपी करिए, इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी। सामाजिक काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपका समय है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक ट्रेवल हो सकता है, किसी नई चीज को सीखने का मौका मिलेगा। बुध आदित्य आयुष्मान योग के बनने से बिजनेस में प्रोग्रेस होगी, साथ ही इकोनॉमिक लेवल पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस के मामले में नई प्लानिंग आप बना सकते हैं और पार्टनर के साथ आपका साथ होना बहुत जरूरी। वर्क प्लेस पर आर्थिक अस्थिरता दूर करने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। जॉब करने वाले लोगों को प्लान करके दिन गुजारना होगा। समय और मौका गवा मत दीजिएगा। स्टोमक रिलेटेड तकलीफ जंक फूड, गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होगी। परिवार में बैठकर दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, घर का सपना साकार कैसे हो, उस पर बात करिए। माँ को नाराज बिल्कुल नहीं करें, उनके आशीर्वाद से ही काम बनेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रेवल और शॉपिंग सब होगी। न्यू जनरेशन के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ आज आप बाहर जाने वाले हैं। आलस्य की वजह से ट्रेवल में थोड़ी तकलीफ आएगी। जो लोग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज दिन अच्छा है। मीन राशि। घर के रिनोवेशन में थोड़ी समस्या आ सकती है। शुभ और मांगलिक कार्यों में कहीं ट्रेवल करना आज कुछ तकलीफ आ सकती है, इसे पहले से भांप कर उसका निस्तारण कर लीजिए। बिजनेस पर्सन को आज खर्चों को कम करना चाहिए और बिजनेस बारे समस्याओं को दूर करने के लिए चतुर बनना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर कठिन काम और आसान कैसे हो, काम बांट कर करोगे तो मजा आएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को सीनियर की गाइडेंस में आज सपोर्ट मिलेगा। फैमिली में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना आज बात बिगड़ जाएगी और संडे आपका बिल्कुल खराब हो सकता है। उन बातों की चर्चा बिल्कुल नहीं करें जिसमें पहले भी तनाव हो चुका है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन को और बेहतर करने के प्रयास करने होंगे। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप भी बीमार होने वाले, इससे अवॉइड करिए। न्यू जनरेशन को तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। शब्द अच्छे बोलें, जरूरत पड़े उतना ही बोलें। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज आपको सिर्फ देखरेख करनी चाहिए, बाकी निवेश कल करें। आपको संडे को आज एकांत में बैठकर अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान। मनसो जातक चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठ जाए सेवंथ हाउस में, तो इंसान की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। विवाहित जीवन साथी के साथ आनंद कम और प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। हालांकि फाइनेंशियल डिसीजन के अच्छे रहते हैं और कोई भी काम खर्चे की वजह से अटकता नहीं है, और ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत दुखी रहते हैं। शादी लेट होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक के चांसेस बन जाते हैं। कई निर्णय वो लोग गलत रहते हैं और व्यर्थ की भागदौड़ ज्यादा करते हैं और अहम और वहम ऐसे लोगों में ज्यादा रहता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो आज वजन के बराबर 7 प्रकार के अनाज लेकर बांटिए। सूर्य गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र की एक माला आप जरूर कर लीजिए। परिवार सहित किसी कोष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम में जाइए। वहां पर मेडिसिन भी आपको अपने हाथों से डोनेट करनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।